जय श्री राम। दसवें भाव में कर्म भाव में यदि शुक्र विराजित हो तो आप उस शुक्र से किस तरह के फल की अपेक्षा रख सकते हैं, किताबों में इसके बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। शुक्र दशम भाव में कर्म भाव में, देखिए नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि दशम भाव आजीविका का भाव है। दशम भाव ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार के कर्मों के द्वारा जीविकोपार्जन करेंगे, मतलब अर्न करेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र का वहां बैठना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों को प्रभावित करेगा। यहां मैं आपको एक बात और बोलूंगा, दशम भाव सिर्फ आपके आजीविका से जुड़े कर्म नहीं है। दशम भाव बिना आजीविका के भी जो आप कर्म करते हैं डेली लाइफ में, वो भी हम दशम भाव से देखते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो शास्त्रों में एक योग लिखा है जिसका नाम है अमला योग, कि यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में शुभ ग्रह है तो ये दर्शाता है कि जातक सुकर्म करता है। सुकर्म अर्थात अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म जरूरी नहीं है उससे कोई फाइनेंशियल गेन आपका हो ही रहा हो। कई बार हम रूटीन लाइफ में भी किसी का भला कर दिया तो वो भी दशम भाव से ही देखा जाएगा। दशम भाव को सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित करना गलत है। तो यदि दशम भाव में शुक्र बैठा हो तो शास्त्रों का बहुत अच्छा मत है इसके बारे में, कहते हैं व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सम्मान दिलाता है ये शुक्र, सौभाग्य दिलाता है ये शुक्र, और कहीं ऊंची पदवी पर विराजित करवाता है दशम भाव में बैठा शुक्र, यदि बली है तो, राइट। और इसके साथ साथ शुक्र वैभवता का लक्ष्मी का कारक माना गया है। यदि दशम भाव में शुक्र है तो आपके कार्य क्षेत्र में लग्जरी होना यूं तो नहीं कहूंगा अनिवार्य है, लेकिन बहुत बहुत केसेस में देखा है, मैं तो कहूंगा काफी कॉमन देखा है कि जब दसवें घर में शुक्र होता है तो व्यक्ति की जो बात होती है वो बड़ी बातें होती है, मतलब वो ना तो छोटे दायरे का काम नहीं करेगा, बड़े लेवल का बड़ा काम करने की सोच रखेगा यदि दसवें घर में शुक्र। साथ ही साथ ये फाइन आर्ट्स का कारक ग्रह माना गया है। दशम भाव में बैठा शुक्र ये भी दर्शाता है कि फाइन आर्ट से रिलेटेड काम होता है, हो सकता है। वैद्यनाथ ने तो यहां तक लिखा है अपनी किताब में कि दशम भाव में यदि शुक्र बैठा है और सम राशि का हो तो फिर वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्त्रियों से जुड़ा काम और खेती से जुड़ा काम दशम भाव में बैठा शुक्र देता है। और ये भी काफी कॉमन देखा गया है कि जनरली ऐसे लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट का काम करते हैं, कोई ऐसी सर्विस का काम करते हैं जो फीमेल से कनेक्टेड, लग्जरी से कनेक्टेड हो और पैसे से कनेक्टेड हो। छोटा, जैसे मैंने पहले भी कहा, छोटा काम करना ये लोग पसंद नहीं करते। सामान्यता ये लोग दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इनकी मान्यता रहती है। जब तक कोई आके खुद हमें टक्कर ना मारे तब तक ये दूसरे को जाके तंग नहीं करते यदि दसवें भाव में शुक्र बैठा हो। यहां पर अगर उसको शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो पढ़ाने का काम भी या दूसरे के दिमाग में बातें डालने का, काउंसलिंग का काम इस शुक्र से देखा जा सकता है यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। वहीं अगर पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो ये बताया जाता है कि व्यापार में नुकसान के योग बनते हैं और सरकार से नुकसान होने के योग बनते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में शुक्र है तो इसके मुख्यतः फल ये होते हैं। आइए अब जानते हैं कि दशम भाव में अलग अलग अवस्थाओं में बैठे शुक्र के बारे में ऋषि कश्यप का क्या मत रहा है। ऋषि कश्यप ने दशम भाव में बैठे शुक्र के लिए जो फल बताया है वो इस श्लोक के द्वारा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जनिष्ठम मणिमुकुरोत्थम हेमजम स्त्री जनाशितम अन्य सौख्यम कष्टयुतम प्रभुतार्गम स्वबंधुजम गोधनाश्वान्विता हिस्त्रम चट्टाडयम वाजि संभवम कर्म भाव गते शुक्रे क्रियते कर्म जंतुना। इसके अनुसार यदि दशम भाव में मीन राशि का शुक्र विराजित है तो व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे जनता का सहयोग प्राप्त होता है।
और उसी के द्वारा वो जीविकोपार्जन करता है, कमाता है। देखिए किस लगन में दशम भाव में उच्च का शुक्र होगा? मिथुन लगन में। मिथुन लगन में शुक्र पंचमेश और द्वादशेश बनता है। ऐसी स्थिति में अगर हम आज के समय में बात करें तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में स्किल, फॉरेन लैंड, ये चीजें जुड़ेंगी यदि आपकी पत्रिका में दशम भाव में उच्च का शुक्र विराजित है। साथ ही साथ जैसा कि शास्त्र का मत है कि लोग आपके कार्यों को पसंद करते हैं, आपको ख्याति मिलती है और पब्लिक सपोर्ट मिलता है। आइए अब जानते हैं उच्च नवांश में बैठा शुक्र क्या फल देगा। उच्च नवांश में बैठा शुक्र ये दर्शाता है, अगर दशम भाव में हो तो, कि व्यक्ति के काम में साज सजावट शामिल होनी चाहिए। वो साज सजावट ज्वेलरी की वजह से हो सकती है, वो साज सजावट घर में कोई डेकोरेटिव आइटम, इंटीरियर डिजाइनिंग के द्वारा हो सकती है। मतलब किसी चीज को आप सुंदर कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है जब उच्च नवांश में बैठा शुक्र आपके दशम भाव में। किसी चीज को ब्यूटिफाई करना, ज्वेलरी का काम, जेमस्टोन्स का काम, साथ ही साथ इंटीरियर का काम, ये चीजें आपको सूट करती है यदि उच्च नवांश का शुक्र दशम भाव में विराजित हो तो। दशम भाव में शुभ वर्गों में स्थित शुक्र यह दर्शाता है कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में क्लास होगी, छोटे लोगों से काम नहीं करेगा, या यूं कहूं कि श्लोक अनुसार वो स्वर्ण का काम करेगा। देखिए स्वर्ण एक ऐसी धातु है जिसको सभी धातुओं में सबसे महंगा माना जाता था, आज के टाइम में तो उससे भी ऊपर की मेटल्स हैं, लेकिन स्टिल गोल्ड की एक अपनी रेपुटेशन है इंडिया में। और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई ऐसे कार्य में लिप्त होंगे जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, आप मासेस के लिए नहीं क्लासेस के लिए काम करेंगे अगर शुभ वर्गों में बैठा शुक्र दशम भाव में। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कार्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि ऐसी किसी कमोडिटी, ऐसे किसी आइटम, ऐसी किसी सर्विस से जुड़ा काम मत कीजिएगा जो कि आम लोगों के लिए, आप अपनी पहचान एक क्लास में ही बनाएं। यह दिखता है यदि शुभ वर्गों में स्थित शुक्र दशम भाव में बैठा हो। नीच राशि का शुक्र यदि दशम भाव में है तो ये कहा गया कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के लिए स्त्रियों पर निर्भर रहता है। अब इसका अगर बुरा मतलब समझे तो ये ना समझे कि भैया अपना जीवन साथी या जो भी आपका महिला सहयोगी है, महिला सहयोगियों पर आप निर्भर करेंगे अपनी आजीविका के लिए। और एक बेहतर सेंस में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपके काम में कोई ऐसा प्रोडक्ट शामिल होगा जो फेमिनाइन हो या जो स्त्रियों के काम आता हो, यदि नीच शुक्र आपके दशम भाव में है। यहाँ एक बात और कहूंगा कि अगर नीच का शुक्र दशम भाव में है तो आपका धनु लगन होगा, और धनु लगन में छठे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी बनता है शुक्र। छठे भाव का स्वामी दशम भाव में आना आर्थिक रूप से कोई ज्यादा परेशानी का सूचक नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से ही संपन्नता को दर्शाता है। यद्यपि कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेस ये रिप्रेजेंट करता है यदि नीच शुक्र दशम भाव में है तो। ये लाभेश भी है, और लाभेश यदि दशम भाव से संबंध बनाता है और इसी कुंडली में यदि बुध भी अच्छा पॉजिटेड हो तो हम ये कह सकते हैं कि जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आइए अब बात करते हैं नीच नवांश के शुक्र। नीच नवांश का शुक्र अपने लिए नहीं, अपनों पर आश्रित लोगों के सुखों के लिए कार्य करवाता है। यदि कुंडली में दशम भाव में नीच नवांश का शुक्र है, ये दर्शाता है कि मेहनत आपकी होगी और फल कोई और खा जाएगा या ले जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, हमने भी बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो बेचारे पूरे जीवन मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपना एक एम्पायर या अपनी एक यू कहें मकान तैयार करते हैं, दुकान तैयार करते हैं, शोरूम तैयार करते हैं, और जब उसके फल आने का समय होता है, जब उसमें से कमाने की बारी आती है तो वो शरीर छोड़ देते हैं और उनकी संतान उस चीज का उपयोग करती है। ये ऐसा ही कुछ दिखाता है नीच नवांश का शुक्र दशम भाव में। यदि आपकी पत्रिका में नीच नवांश का शुक्र है तो आप अभी से प्रयास कीजिए कि जो आप अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा लोगों की सेवा में या लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे परिवार के लोगों के लिए तो खुशी के लिए तो सब करते हैं, यदि आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सके, क्योंकि आप लिखवा कर लाए हैं कि आप अपने पैसे का जितना उपयोग करेंगे उससे ज्यादा दूसरा उसका उपयोग करेगा, तो अपने हाथ से देने में जो तसल्ली मिलती है ना,
वो जाने के बाद कोई और इस्तेमाल करे उससे नहीं मिलती। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा करने की, पाप वर्गों में बैठा शुक्र यदि दशम भाव में है तो ये दिखाता है आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें स्ट्रगल और एफर्ट ज्यादा है। देखिए मार्केटिंग का काम एक ऐसा काम है जिसमें भागा दौड़ी बहुत होती है। कष्टप्रद का मतलब है कि आप उस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं है, उसके बावजूद आपको करना पड़ रहा है। यदि पाप वर्गों में स्थित शुक्र अगर आपके दशम में है तो ये दर्शाता है, चाहे वो काम किसी भी तरह का हो। कई बार आप देखते हैं कि मन नहीं है किसी कार्य में, लेकिन उसके बावजूद आपने स्टडी उस सब्जेक्ट की है या आपको प्रेशर उस तरफ किया गया और आपको बुझे मन से वो काम करना पड़ा, वो दिखाता है पाप वर्गों में बैठा शुक्र। मित्र राशि या मित्र नवांश में बैठा शुक्र, दोनों के लिए एक ही जैसी बात कही गई कि आपको आपके बंधु बांधवों मित्रों से स्वजनों से, स्वजन यानी आपके परिवार के सदस्यों से, उनकी सहायता या उनके सहयोग के द्वारा आप अपना कार्य आरंभ करते हैं या ग्रो करते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, यदि मित्र राशि का या मित्र नवांश का शुक्र दशम भाव में है तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल से, आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट की वजह से आप बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर भी ये कहा गया कि आपके कार्य में कीमती चीजें ज्यादा होती है यदि मित्र नवांश या मित्र राशि का शुक्र हो, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो। वर्गोत्तम शुक्र यदि दशम भाव में बैठा हो तो देखिए शास्त्र जब लिखे गए थे उसके अनुसार जो फल है वो ये है कि गाय बैल वाहन आदि का आप काम करेंगे। हम जानते हैं कि शुक्र वाहन का भी कारक माना गया है और वर्गोत्तम शुक्र दशम में स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ एक बात और समझिएगा, शुक्र लग्जरी का कारक ग्रह है और महंगी चीजों का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर भी वर्गोत्तम शुक्र के लिए भी हम कह सकते हैं कि सर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं, वो डील या वो प्रोडक्ट आम लोगों के लिए नहीं है, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए। आप प्रोडक्ट का भी काम कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट भी जो अपनी उस जोन में सबसे अच्छा होता है आप उसके लिए जाएंगे यदि वर्गोत्तम शुक्र दशम भाव में है। यदि शत्रु राशि का शुक्र दशम भाव में है तो बताया गया कि आप हिंसक कर्म करते हैं। अब ये हिंसक कर्म क्या है? हिंसक कर्म है दूसरे को पीड़ा देना। आप किसी ऐसे काम में हैं जिससे दूसरे को पीड़ा होती है। देखिए वकालत का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने क्लाइंट के लिए तो अच्छा करते हैं पर कहीं ना कहीं सामने वाले को उससे टीस पहुंचती है। तो यदि शुक्र दशम भाव में है तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जिसकी वजह से आपके कर्मों से दूसरा पीड़ित होता है, पर पीड़ा इन्वॉल्व होती है यदि शत्रु राशि का शुक्र दशम भाव में बैठा हो। वहीं यदि शत्रु नवांश का शुक्र दशम भाव में बैठा है तो ये कहा गया आप अपने कर्मों से खुद ही चिंता तो रहते हैं, अर्थात आप काम कोई ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है कि ये मैंने सही किया है या गलत किया है, गलत काम तो नहीं हो गया। आपको हर समय अपने कर्मों पर आपको संशय रहता है और एक तसल्ली नहीं होती, उसको लेके टेंशन में रहते हैं यदि शत्रु नवांश का शुक्र दशम भाव में। इसका एक और अर्थ ये भी है कि आप सोचते बहुत हैं, क्योंकि नॉर्मली कर्म करने के बाद अगर आप उसके फल के बारे में सोचे कि इसका क्या परिणाम मुझे मिलेगा तो अधिकतर लोगों को उसकी चिंता रहेगी, और ऐसा ही कुछ शत्रु नवांश का शुक्र दशम भाव में दर्शाता है। यदि स्वराशि का शुक्र दशम भाव में हो तो शास्त्रों में कहा गया कि मशीनों से जुड़ा काम आप करेंगे, चलाएवान मशीनों से जुड़ा काम आप करेंगे, वाहन हो सकते हैं या जो मशीन रनिंग में होती है, ऐसा कोई काम आपको सूट करेगा यदि दशम में स्वराशि का शुक्र हो। अब दशम में स्वराशि का शुक्र किन परिस्थितियों में हो सकता है? या तो आपका सिंह लग्न हो जहां पे शुक्र दशम भाव में बैठा हो वृषभ राशि का, और उसकी तुला राशि तीसरे भाव में पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़े, कभी डील सक्सेसफुल और कभी प्रोजेक्ट फेल, ऐसी नौबत आती है यदि सिंह लगन में दशम भाव में वृषभ का शुक्र बैठा हो। आर्थिक दृष्टिकोण से ये ओवरऑल अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपके कार्य क्षेत्र में स्थायित्व कम होता है, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करना आपके कार्य क्षेत्र में को रिप्रेजेंट करता है।
वही यदि मकर लगन होगा तो भी दशम भाव में शुक्र विराजित होगा तो स्वराशि का कहलाएगा क्योंकि वह तुला राशि आएगी। अब तुला राशि यहां पर चर राशि है, चर राशि का शुक्र दशम भाव में लगन भी चर ही है स्वाभाविक सी बात। ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य होगा जिसके लिए आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है, आपको कई जगह मूव करना पड़ता है। यही शुक्र इस कुंडली में पंचमेश भी बनता है तो पंचमेश का दशम में आना यह भी दर्शाता है कि आपका कार्य हाथों से ज्यादा जबान का है, दिमाग का है। आप कोई ऐसे कार्य में लिप्त है जहां पर बोलने की वजह से आपकी डीलिंग होती है। तो यदि दशम भाव में स्वराशि का शुक्र हो तो इस तरह के फल बताएगा। आइए अब एक उदाहरण कुंडली के द्वारा इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पत्रिका है 14 मई 1950 की, जन्म समय है प्रातः 8:45 और जन्म स्थान है बीवर राजस्थान। इस कुंडली में यदि आप ध्यान दें तो मिथुन लग्न की पत्रिका है और दशम भाव में शुक्र विराजित है। लग्नाधिपति द्वादश भाव में गया और लाभ भाव में उच्च का सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर बैठा है। अब देखिए दशम भाव में शुक्र उच्च का हुआ, शास्त्रों का यह मत था कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण आपको ख्याति प्राप्त होगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ ये शुक्र अकेला नहीं है, इसके साथ चंद्रमा भी विराजित है, राहु भी बैठा है और ये सम राशि में बैठा है। इस बात को समझिएगा कि दशम भाव में जब कभी भी सम राशि में दो स्त्री कारक ग्रह बैठ जाएं, तो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके काम में स्त्रियों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। अब देखिए स्त्रियों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने का क्या अर्थ है? एक तरीका तो यह है कि हम ये पूछ ले कि क्या जो सेवाएं आप प्रदान करते हैं, जो प्रोडक्ट आप डील करते हैं जिसमें, क्या वो स्त्रियों से जुड़ा है? और दूसरा तरीका है क्या आपके ऑफिस में आपसे ज्यादा स्टाफ महिलाओं का है? क्योंकि यदि दशम भाव में आप शुक्र चंद्रमा देख रहे हैं और वो भी सम राशि में देख रहे हैं तो संभावना ये है कि आपके ऑफिस में स्त्रियों का सहयोग आपको ज्यादा मिलेगा। लग्नाधिपति 12वें में जाना, 12वें के स्वामी का दशम में आना और वो भी दशम में उच्च का हो जाना, ये दर्शाता है कि जातक का जो ग्रोथ है, जातक की जो तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर होनी चाहिए। ये जातक ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और राजस्थान में पैदा होने के बाद, और जैसे मैंने कहा कि दशम भाव में शुक्र राहु का योग है तो प्रोडक्ट जो है वो फेमिनाइन नहीं है लेकिन ऑफिस का स्टाफ अधिकतर महिलाएं हैं, एक बात जो इन्होंने मानी। और इनको वहां ले जाने वाली भी एक महिला थी जिसने इन्हें प्रेरित किया कि आप वहां चलिए, वहां जाके काम करें। तो इनका मानना है कि इनका भाग्योदय एक महिला के कारण ही हुआ या कार्य क्षेत्र में उन्नति एक महिला के कारण। दूसरी बात, ये शुक्र यहाँ पर पंचमेश भी है और अगर पंचमेश शुक्र दशम भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि आपका काम ऐसा होगा जिसमें बौद्धिक स्तर से जुड़ा काम ज्यादा होगा, टेक्निकल काम कम होगा। वो भी इस जातक पर अप्लाई होता है। ये जातक का जो फाइनेंस रिलेटेड काम है उसमें इसको ये फाइनेंस रिलेटेड काम करता है। क्षमा कीजिएगा मैंने शुरू में बताना भूल गया, तो लोन की रीपेमेंट इस तरह के सेक्टर से जुड़ा कुछ इनका काम है। तो फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं जिसके अंदर स्किल के साथ साथ पब्लिक डीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काउंसलिंग वगैरह भी इसमें उसका एक पार्ट है जिसमें ये डील करते हैं। तो इस तरह से उच्च का शुक्र दशम भाव में बैठे तो ये इस प्रकार के फल देता है। यहाँ आप एक चीज और नोट कीजिएगा, देखिए जब किसी पत्रिका में दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हो और उसके ऊपर चौथे मंगल ग्रह की भी दृष्टि आ जाए तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के काम में मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व होगी, बहुत सारी तरह का काम होगा, एक काम नहीं करता। और यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा बलि ग्रह कौन सा है। जो सबसे ज्यादा बलि ग्रह होगा वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से जातक के ऊपर छोड़ पाएगा या उसके कार्य क्षेत्र पर छोड़ पाएगा। यहाँ पे राशिगत स्थिति के अनुसार जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा बलि माना जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर उच्च का है। केंद्रगत स्थिति भी इसके लिए अच्छी बताती है। पर एक बात और मैं बोलूंगा कि देखिए दशम भाव में शुक्र दिग्बलहीन हो जाता है, उसके पास दिग्बल उतना बचता नहीं। शुक्र जो चौथे भाव में जितने शुभ फल प्रदान करता है उतना दशम भाव में नहीं करता। हाँ एक बात और भी है कि जिसके दशम भाव में शुक्र विराजित होगा उसको घर से ज्यादा
ऑफिस में सुकून या चैन मिलता है, उसको वहां सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ इस तरह का फल है यदि दशम भाव में शुक्र विराजित हो तो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलो। आपकी पत्रिका में यदि दशम भाव में शुक्र है और उसका क्या फल रहा, ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे हम इस चीज को और रिफाइन कर सकें। क्योंकि यहाँ जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ वो प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, आज के युग में वो कितनी एप्लीकेबल है, कितना उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है, वो तब पता लगेगा जब हम उस चीज को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद मैं पत्रिका पर इसको लगाऊं। लेकिन अगर आप सब भी अपना यूं कहूं कि परिणाम साझा करें कि हमारी कुंडली में दशम में शुक्र है और उसका ये फल रहा, तो आसानी रहेगी आगे फलित करने के लिए, मेरे लिए भी और आपको। ज्योतिष संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा था कि हमें आपके चैनल का नोटिफिकेशन नहीं आती जब आप कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनको मेरा यही सुझाव है कि आप बेल आइकन जो ये सब्सक्राइब बटन के साथ दिया होता है उसको जरूर दबा दिया करें। उससे क्या होता है कि जब भी वीडियो कोई अपलोड होती है तो विद इन फ्यू मिनट और फ्यू सेकंड आपको फोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है, या जब मैंने लाइव होना होता है तो उससे पहले आपको खबर लग जाती है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।